अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एन अदर ब्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं फैन, आपको भी साथ में दिखाएंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पंखा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी वो आपको हमें मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें तीन सेल चाहिए उसके बाद एक बटन चाहिए जो किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा इजीली, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान से आपको मिल जाएगा। ये आम घर में जो सा लगाते हैं वो ये। और एक हमें चाहिए टेप, और एक इस तरह की आप डब्बी ले लें कोई भी, और ऊपर पेरोक्साइड बोतल काट के ना नीचे से उसको लेटर के साथ गर्म करके ऐसे गर्म हीट बोतल चढ़ाने के लिए ऐसे एक लाइटर लें और ऐसे इसको गर्म करके ऊपर बोतल को चढ़ा देना। और इस तरह का एक पाइप लेना आपने, तो इसके नीचे सुराख करके इस में ढक्कन में सुराख करके तो बीच में इसे पाइप गुजार के ऊपर ये हीट गन वाली जो सी ग्लू होती है ना वो लगा लेनी है। ये वाली ग्लू आपने लगा लेनी है। ये आप जैसे देख सकते हैं मैंने लगाई हुई है। तो ऊपर एक मोटर लगानी है जो उनसे हमारी गाड़ियाँ होती हैं रिमोट कंट्रोल गाड़ी हैं, कोई उसमें से निकाल लें या किसी दुकान से ले लें। ये भी लगा के ऊपर ऐसे मतलब बीच में सुराख होगा ना, ऐसे सुराख में लगा के ऊपर से एल्फी लगा देनी है। ये जो ग्लू है लगा देनी है। ऊपर एक पंखा लगा देना है। ये आपको पंखा भी मैं बताता हूँ कौन सा चाहिए। जो सा हमने पंखा ये ऊपर हमने लगाया हुआ है, ये जो सा पंखा है ये हमने इस तरह का, ये आपने देखा ही होगा जो सा उड़ाते हैं हम, ये ऐसे 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 करो तो ये उड़ता है। तो आपने इस तरह का ये वाला पंखा ले लेना है। बीच में से इधर से आप ऐसे ऐसे दबाएंगे, तो ये पंखा बीच में से निकल आएगा। आपने तीनों साइड से ऐसे बीच में से निकाल के पंखा ले लेना है और इधर इधर ऊपर लगा लेना है। इसको लगा के थोड़ी सी हीट दे के तो ये जोन से आगे उसका मुंह होगा मोटर के, उस पर चढ़ा के ऊपर वो हीट गन वाली ग्लू लगा देनी है। तो ये ताने बाहर निकाल लेनी है आपने, और ये सेलों की हमने एक बैटरी बनानी है। ये सेल जोन से है ना, इनकी हमने एक बैटरी बनानी है। इस तरह की हमने एक बैटरी बना लेनी है। ये बैटरी कैसे बनेगी ये भी आपको मैं बताता हूँ। ये हमने बैटरी ऐसे बनानी है, ये जो माइनस वाला साइड होगा ना, हमने तीन सेल ले लेने हैं। जो सा माइनस वाली साइड होगा उसको इस दूसरे सेल की प्लस वाली साइड में ना ऐसे जोड़ देना है। ऊपर आप एल्फी लगा दें या टेप लगा दें तो जो सा तीसरा सेल होगा उसकी जो प्लस वाली साइड होगी इसकी भी, ये देखें माइनस वाली साइड पे ऐसे कर देना है। यहाँ पे आप टेप लगा लें या एल्फी लगा के इन तीनों सेलों को ना ये ऐसे जोड़ लेना है और इस तरह की एक बैटरी सी बना लेनी है। ये आप देख सकते हैं ऊपर मैंने टेप लगाई हुई है। चलिए अब हम पंखा बनाते हैं। और ये जो हमने बटन लगाना है ना, ये देख आप देख लें, तो ये हमने जो है बटन लगाना है। इधर ये ताने दोनों आ रही हैं मोटर की, तो इधर ये हमने जो ये वाला है ना, ये वाला जगह ये हमने सेलों के साथ लगानी है। और ये बीच में एक जोड़ डाल देना आपने, ये जो से जोड़ होगा ना ये आपने लगाना है इस बटन के अंदर। ये आप नेट पहले खोल लें, फिर इस तार को इधर लगा के ऊपर से नेट टाइट कर देना।
अब दूसरी तार लेनी है, दूसरी तार को दूसरे नेट में, दूसरी तार को दूसरी नेट दूसरे वाले नेट में हमने ऐसे लगा देना है। लगा के ऊपर से हमने नेट टाइट कर देना। और ये देखें मैंने तारें लगा दी हैं, तो अब हम करते हैं सेल के साथ कनेक्शन। पहले हम चला के चेक कर लेते हैं चल भी रहा है पहुंच रही है या नहीं। अब थोड़ी सी लंबी तारें लगा लीजिएगा, मेरी थोड़ी छोटी तारें हैं। ये भी हम टेप लगाते हैं से ये जहाँ पे रख के, ये मेरे पास तो पतरी है, आप तार भी रख ले ऊपर। ये हमने ऐसे करके टेप लगा देनी है, अच्छे से लगाना ले लेना। टेप लग गई, अब दूसरी साइड के हम तार लगाएंगे। अभी मेरा बटन ऑन है तो आपको मैं चेक कराता हूँ पंखा चला के। ये तमने तार लगाई, ये देखें पंखा चल पड़ा और इसकी बहुत ठंडी हवा है और सही ज़्यादा हवा है। तीन सेल अप लगाएं, बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगा। ये हमारा पंखा चल चुका है, तो अब हम इसका स्टैंड बनाते हैं। इसको साइड पे हम रख देते हैं। तो ये आपने एक बोतल का ढक्कन ले लेना, उसमें सुराख करके इस पाइप में ऐसे पाइप को इसमें बीवी में डाल के ऊपर हीट गन वाली ग्लू लगा देनी है। तो इसको हम साइड पे रख देते हैं। एक लेटर लेना है और एक बोतल का आधा ऐसा काटा हुआ लेना है, उसके ऊपर कोई भी आप डब्बी ले कि उसके ढक्कन के ऊपर उसको लगा के ऊपर से ये लेटर के साथ ऐसे हीट दे के ऐसे ऊपर बोतल को चढ़ा लेना, देख लेना सही पकी है। तो अब ये हमने लेना है, तो इसको ये ऐसे करके ढक्कन टाइट कर देना। ढक्कन टाइट कर दिया तो ये स्टैंड बन गया। ये टाइट कर देना है, तो ढक्कन टाइट कर देना है। ये देखिए हमारा स्टैंड बन गया। ये हमारा पंखा बन चुका है, ये पंखा बन चुका है। तो आपके लिए इतनी हमने मेहनत की है, आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ी सी लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए करें। चलें आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, तो तब तक अल्लाह हाफिज़।